अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद फिरदौस अली आज जो रेसिपी शेयर करने आई वो है सुरजना फली। तो आइए हम बनाते हैं सुरजना फली करी। सुरजने की फली बनाने के लिए मैंने आधा किलो यहाँ सुरजना की फली ली है, उसको इस तरह से काट लिया है और उसका छिलका निकाल लिया है। और यहाँ इसमें जो मसाले डालेंगे वो मैंने लहसुन लिया है एक गाँठ, एक इंच जितना अदरक का टुकड़ा लिया है और एक प्याज ली है। और इसमें लिया है मैंने एक टीस्पून मैंने चने की दाल ली है, एक टीस्पून मैंने चावल लिए हैं और एक टीस्पून खसखस ली है। इन सब मसालों को हम तलेंगे और चावल दाल और खसखस का स्वाद उसमें बहुत ही अच्छा सौंधापन आता है और फली बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। इस पर मैंने एक फ्राई पैन रखा है, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब हमने जो ये प्याज अदरक लहसुन लिया है ये मैं इसमें डाल दूँगी, इसको तल लूँगी, इसको हम थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। तल कर जो मसाले से हम सब्जी बनाते हैं उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसको हम 5 मिनट के लिए तल लेंगे। मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और ठंडा कर पीस लूँगी। तो फ्राई पैन रखा है मगर इसमें तेल नहीं डाला, इसमें है थोड़ा सा तेल। अब मैं यहाँ पर जो मैंने चने की दाल, चावल और खसखस ली थी उसको डाल दूँगी, उसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है सुरजने की फली में, आप इस तरह से ज़रूर बनाइए, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। इसको भी हम थोड़ा सा तेल में तल लेंगे। चने की दाल, चावल और खसखस भी अच्छी तरह से तला गए हैं थोड़े से और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, इसका सौंधापन अभी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। जब हम ये सुरजने की फली में डालते हैं इसको पीस कर तो उसका जो सौंधापन की खुशबू रहती है उससे फली बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा करके पीस लेंगे। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में एक तेल गरम होने रखा है, मैंने यहाँ पर आधा कप तेल डाला है और मैं उसमें अब डाल रही हूँ, मैंने 1/4 टीस्पून शाहजीरा लिया है, 3 लौंग ली है और 4-6 काली मिर्च ली है। ये अच्छी तरह से हो गई है। अब मैं इसमें जो मैंने प्याज, लहसुन और अदरक को पीस के रखा था तल के वो डाल दूंगी। तले हुए मसाले की खुशबू बहुत अच्छी आती है। मीठ हो गए हैं हमारे मसालों को भुनाते हुए और ये तो तले हुए मसाले थे, इसकी खुशबू और बहुत अच्छी आ रही है। अब यहाँ पर मैंने नमक लिया है स्वाद अनुसार, 3 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1.5 टीस्पून मैंने लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है और 1/4 टीस्पून हल्दी ली है, ये भी मैं ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको हम भुनाने देंगे 5 मिनट तक अच्छी तरह से। 5 मिनट हो गए हैं, हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से भुना गया है, देखिए कितना अच्छा तेल भी छोड़ दिया है मसाले ने। अब जो खास सुरजने की फली में टेस्ट आएगा मसालों से वो है चने की दाल और ये चावल और खसखस जो हमने तल के पीस के रखे हैं वो ऐड कर दूंगी मैं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, एकदम सौंधा टेस्ट आता है सुरजने की फली में। आप इस मेथड से एक बार ज़रूर बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। हमारी नानी अम्मा बनाया करती थी, हमें बहुत अच्छी लगती थी, आज वही रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। और सुरजने की फली तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको भी हम अच्छी तरह से 5 मिनट तक भूनने देंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, ताकि ये नीचे चिपके नहीं। मसाला 5 मिनट और हो गए और बहुत अच्छा भुना रहा है, मैंने हल्का हल्का पानी डाल के मैं भून रही हूँ ताकि मसाला चिपके नहीं, और उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही। अब यहाँ पर मैं ये सुरजने की फली जो मैंने धोकर रखी है वो डाल दूँ, डाल दी। अब इसको भी हम थोड़ी देर अच्छी तरह से भूनेंगे। आप फली कच्ची भी मसाले में डाल के भून सकते हैं या हल्की सी उसको पानी में डालकर थोड़ा सा हल्दी नमक डालकर भाप देकर भी पका सकते हैं, तो वो थोड़ी सी भाप में नरम भी हो जाती है और कच्ची भी भून सकते हैं, जैसा भी आपकी मर्जी हो आप ऐसा कर सकते हैं। अब इसको भी हम 5 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका भी मज़ा अच्छी तरह से मसालों में उतर जाए। हमारी सुरजने की करी बहुत अच्छी तरह से मसाला भुना रहा है, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि सुरजने की फली भी थोड़ी सी गल जाए अच्छी तरह से, और इसको हम 5 मिनट ढककर रख देंगे। 5 मिनट और पकाते हुए हो गए हैं और हमारी सुरजने की फली अच्छी तरह से गल गई है, ये देखिए, ये
अच्छी तरह से एकदम गल गई है। अब यहाँ सबसे लास्ट में मैं हरा धनिया डाल दूँगी और आइए इसको हम अब डिश आउट करते हैं। ये हमारी सुरजला करी बन के तैयार है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलूंगी मैं आपसे अगली रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।